विश्व सर्वदा श्रीमन महाराज कतई नमः। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान को, कुयकाली भगवती को, दक्षिणकाली भगवती को, सनातन धर्म को, पतित पावन गंगाधर कर सबका कल्याण, पशुपति नाम जपे नहीं मूरख अज्ञान। नाग गले में है जिनके, कटि में है मृग छाल, इनके तन मुख ठहरे नहीं हरे जग का काल। पशुपतिनाथ को वे ही शिव महाकाल, इस भव सागर के सभी छूट जाए जंजाल। जब तीरथ छोड़ के गहो चरण शिवनाथ, अंत समय पावन रखे तुमको पशुपतिनाथ। नित है पशुपतिनाथ का सुमरिन से हो ज्ञान, जीव कभी भटके नहीं वो संकट आसान। ब्रह्मा विष्णु देवता जिनका धरते ध्यान, वो ही कण कण में बसे एक नाथ जान। मानस मंजरी परिवार जो है एक ऐसे न्यायाधीश का संकल्प है जिसको इन्होंने हमारे अध्यक्ष महोदय ने संजोग करके रखा है। मैं तहे दिल से अध्यक्ष महोदय को भी कह रहा हूं कि ये तुलसीदास जी ने अपने जीवन में अपने चरित्र का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने अपना जो भी अपनी हंसी अपनी मजाक का ही वर्णन किया है, लेकिन जग को तारा है जिसके आधार पर आप हम सभी चलते हैं। मानस मंजरी परिवार है, रामचरितमानस का चलाए नाम। हमरो भारतीय दूतावास, हमरो नेपाल भारत मैत्री पुस्तकालय का डायरेक्टर महेश शर्मा जुलाई मकेई अपना मंतव्य राख दिनक लागि। जय श्री राम निकल जाए तो जीवन सफल हो जाए, इसीलिए एक बार सभी जय श्री राम का नारा लगाएं, यही सार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रावल श्री गणेश भट्टजी लाई म नोट गर्न चाहन्छु। आज अजक परिवार लाई यस दिव्य भव्य र श्रीराम कथा वाचन समारोहमा निमन्त्रणा गर्नु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु। साथै भारतबाट पावन भूमि श्री पशुपतिनाथको सान्निध्यमा पाल्नुभएका आचार्य श्री सुदर्शनजी महाराजलाई पशुपतिनाथ मन्दिर तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। परिचय हुन्छ र यो
रामायण को जो चाहिए यहाँ रामायण को बारे में तुलसीकृत रामायण को बारे में जो यहाँ संगीतमय जो यहाँ श्रवण करना को निमित्त यहाँ उपस्थित हो परम आदरणीय महाराजी जो व्यासपीठ में आसीन हुनुहुन्छ वहाँ निश्चित रूप से मिथिला को मात्र होइन नेपालकै निमित्त चाहिँ र भारतको निमित्त बिल्कुल परिचित अनुहार हुनुहुन्छ उहाँको प्रवचनहरू चाहिँ हामी समय समयमा टिभीमा पनि सुन्दै आएको छौँ यस निमित्त उहाँबाट जुन अमृत वचनहरू हुनेछ त्यसलाई श्रवण गर्न वास्तवमा हामी आएको हौँ तर एउटा कुरो म निवेदन गर्न के चाहन्छु भने यस सन्दर्भमा कि राम जुन हो आदर्शको प्रतिमूर्ति र सीता जुन हो त्यागको प्रतिमूर्ति सीता त्यागको प्रतिमूर्ति र राम आदर्शको प्रतिमूर्ति त्यसको बारेमा हामी यहाँ चाहिँ उहाँ महाराजजीबाट अमृत वचनहरू सुन्न आतुर छौँ यसले त हामीले बढी टाइम लिनु उपयुक्त हुँदैन सुदर्शनजी महाराज आचार्य आपको नेपाल में स्वागत है मेरे अपनी ओर से सभी लोगों की ओर से टेलीविजन में आपका प्रवचन सुनता रहता हूँ हम राजनीतिक लोग हैं ये अलग बात है एक और मेरे लिए खुशी की बात है और आपको इसलिए भी स्वागत करता हूँ कि जिस राम और सीता का वर्णन और कथा रामायण या श्री राम कथा में है उस सीता आदरणीय माता सीता के जगह से वहीं से मैं भी हूँ और इसलिए भी मुझे खुशी है कि आप यहाँ राम कथा वाचन करने आए हैं मुझे उमेश भाई ने बताया कि जनकपुर में भी आए थे बड़ी खुशी हुई और हमें पूरा विश्वास है कि श्री राम कथा के वाचन से हम सभी लाभान्वित होंगे अपने जीवन को कैसे जिए अपने परिवार समाज देश को कैसे आगे बढ़ाएं अपनी भूमिका किस तरह से निर्धारण करें उसमें आपका जो प्रवचन है होगा आप जो कथा यहाँ वाचेंगे उसे हमें जरूर ही प्रेरणा मिलेगी लाभ मिलेगा टोकन ऑफ लव माननीय हाम्रो सांसद नरोत्तम वैद्यज्यू र गुरु महाराजको रामायण तथा गीताको अमृतमय पुस्तक लगायत उहाँको हामीले र आज जुन हामी यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ हाम्रा परमादरणीय गुरुजी सुदर्शनजी महाराज उहाँप्रति सर्वप्रथम नमन गर्न चाहन्छु उहाँको पनि आजदेखि हामी तिन दिनसम्म उहाँको मुखारविन्दबाट सुमधुर सङ्गीतमय श्रीराम कथा हामीले सुन्ने अवसर पाउँछौँ र धेरै यसलाई नलम्ब्याइकन हामी त्यसै पनि धेरै ढिलो भइसकेका छौँ मैले धेरै कुरालाई सम्बोधन नगरिकन यस कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिन हुन जुन आफ्नो आफ्नो स्तरबाट जुन महानुभावहरूले मद्दत गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु स्वरूप
याभ्यां विना न पश्यन्ति बाबा पशुपतिनाथ के चरणों में बैठकर राम कथा कहने का आज जो अवसर मिला उसे बाबा को कोटि सा प्रणाम। आप तमाम हमारे नेपाल के भाई बंधुओं को, इस पुण्य भूमि के लोगों को इस कथा में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे राम नाम का ध्वजा पताका, राम नाम का ध्वजा पताका, मैं पहरा हूँ गली गली, है कोई ऐसा राम का बंदा, साथ चले जो गली गली, है राम नाम का ध्वजा पताका, मैं पहरा हूँ गली गली, राम नाम का ध्वजा पताका, मैं पहरा हूँ रामायण लिखे रामचरितमानस का, उसका नाम मैंने रखा संगीतमय राम कथा। यह पहला व्यक्ति हूं मैं, पूरी रामायण को मैंने संगीत में तैयार किया है। यह जो रामायण है यह दिल्ली से प्रकाशित हुई है और दूसरी है मेरी गीता है। और आश्चर्य होगा आपको कि इसकी भूमिका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है अपने हाथ से, और राष्ट्रपति ने, दोनों ने इसकी भूमिका लिखी है। तो हमारा इतना ही आपसे अनुरोध है कि अगर चाहते हैं कि हमारा भी जीवन सफल हो जाए, हम भी जीवन में गीत गाएं, नाचे मुस्कुराएं, जिसके लिए आप दौड़ लगा रहे हैं ना, घर परिवार दुकान बिजनेस नौकरी, जिसके लिए दौड़ रहे ना, कोई कामे नहीं आता है। कामे क्या आएगा, काम में आएगा आपको भगवान की भक्ति। महाराज दशरथ को क्या हुआ, उन्होंने चाहा कि मुझे बहुत इकबाली पुत्र हो, लेकिन उन्होंने कर्म गलत कर दिया। कभी सोचे उनको बेटा क्यों नहीं हुआ, तीन तीन विवाह उन्होंने किया, कौशल्या से, कैकेयी से, सुमित्रा से, किसी से कोई संतान नहीं हुई। कारण क्या है, लोग कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। परिवार की बढ़ोतरी होती है पिता के धर्म से। अगर पिता का आचरण गलत हो गया तो परिवार का नाश हो जाता है। इसीलिए आपको भी कहते हैं कि आप परिवार के माता पिता है, मुखिया है, कोई ऐसी गलती मत करिए जो आपका बेटा देख रहा हो। दशरथ ने भूल की, रावण को पता था कि दशरथ के यहां जो बच्चा पैदा होगा वही हमको मारेगा, तो दशरथ को बेटा पैदा ना हो इसका उसने उपाय कर दिया। रावण ने एक राक्षसी सुभक्षा को भेजा कि जाओ दशरथ को शक्ति का नाश करो। सुभक्षा जाती है, दशरथ को भरमाती है, दोनों में प्रेम होता है
और सुभक्षा उसकी शक्ति का ह्रास कर लेती है। तो पिता अगर गलत मार्ग पर चलेगा तो संतान का सुख कैसे देखेगा वो? दशरथ की संतान संभव नहीं हुई, क्यों? सुभक्षा ने पूरी एनर्जी को, पूरी शक्ति का हरण कर लिया और वह गर्भवती होकर चली गई लंका। वहां जो बालक पैदा हुआ उससे वही विभीषण बना। यह राम का बड़ा भाई विभीषण, लेकिन परवरिश लंका में हुई, मां वहां की थी, इसलिए जब उनका कोई संतान नहीं हुई, दशरथ जी आईना देख रहे थे, बाल सोट रहे थे, देखते हैं कि बाल कोना पर पका हुआ है। श्रवण समीप भय सिद्ध के सा मनहु जरठ पन हस उपदेशा। दशरथ जी ने देखा अब तो गड़बड़ हो गया, अब तो बाल भी पकने लगा, अब कोई संतान नहीं है, इतना बड़ा साम्राज्य कौन भोगेगा? दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से बहुत प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ हुआ, यज्ञ से हवन निकला और हवन को श्रृंगी ऋषि ने दशरथ जी को दे दिया। दशरथ जी ने बड़ी प्रार्थना की, श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने यज्ञ करके प्रसाद दिया। आपको भी भगवान अगर चाहते हैं कि घर में हमारा पुत्र हो, परिवार चले, तो गुरु का आशीर्वाद पहले लीजिए। अब इसके बाद प्रसाद जब मिला, देखिए भगवान श्री राम को आना है, दशरथ जी ने प्रसाद लेकर बड़ी रानी कौशल्या को दिया। कौशल्या ने दो भाग किया, एक अपने रखा, एक कैकेयी को दिया। कैकेयी ने अपना हिस्सा निकाला और कौशल्या ने निकाला और दोनों ने मिलकर सुमित्रा को दिया। इसलिए आप देखते हैं भगवान श्री राम कौशल्या के अकेला पुत्र हैं, कैकेयी के भरत जी अकेले हैं और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो पुत्र हुए। और देखिए भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भाई जन्म लिए अयोध्या में। और देखिए उस समय चैत का महीना था। बस रथ घर जन में ललन माहु रामा, चैत के महीना बा। बस रथ घर जन में ललन माहु रामा, चैत के महीना बा। चैत के महीना बा रामा, चैत के महीना बा, चैत के महीना बा रामा, चैत के महीना बा। दशरथ के जन्म में ललन पवन।
रामायण। सारे भक्त बोलेंगे प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए चारों भैया की, बाबा पशुपतिनाथ महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की। हर हर महादेव। परम पूज्याचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की, 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 परम पूज्याचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की। प्रभु श्री राम जनक नंदिनी सीता मैया पवन सुत हनुमान जी की पूजा। महाराज श्री द्वारा श्री व्यास पीठ की पूजा अर्चना। महाराज श्री द्वारा श्री व्यास पीठ की पूजा अर्चना। अभिनंदन शॉल पुष्पगुच्छ रुद्राक्ष की माला से महाराज श्री का अभिनंदन। बोलिए गुरुदेव जी महाराज की जय, बोलिए बाबा पशुपति नाथ की जय, बोलिए सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय, बोलिए वीर बजरंग बली की जय, बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए आचार्य श्री परम सुदर्शन जी महाराज की जय। आइए कथा वाचन द्वारा सत्संग हरु को आयोजन कर रहे अनुभव को छा हार्दिक स्वागत करना चाहन्छौं। त्यस्तै हाम्रो यस कथा वाचन को लागि हामीलाई भक्तहरुलाई सहयोग गर्नको लागि सहयोग गर्दै हुन्छ शिवशंकर होटल का हाम्रा प्रज्वल श्रेष्ठ ज्यू, उहाँलाई पनि म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्रज्वल श्रेष्ठ ज्यू हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टर प्लीज महाराज जी को आशीर्वाद को लागी। आप तमाम भक्तों को यहाँ देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और बाबा आपका आशीर्वाद आप तमाम लोगों को मिल रहा है। मैं जब देवघर में गया था बाबा बैद्यनाथ धाम में राम कथा करने, तो उसी समय कई लोगों ने मुझे बताया था कि आपने पशुपतिनाथ को अपनी कथा सुनाई कि नहीं सुनाई। मन में बड़ा कचोट था कि जो आदि देव हैं, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, इसमें यह नहीं है, यह आदि ज्योतिर्लिंग है। सबसे पहले 12 तो इधर आ गए। और सचमुच कहता हूं मैं, जितने भी भाई बहन मेरे हैं, अगर आपने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया तो फिर आपके तरह जीवन में और कौन होगा। अब कथा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको पता है कल भगवान श्री राम का जन्म हुआ। दो बात मैं कहूंगा। एक, जब कभी भी आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उसका नामकरण, उसका नाम अपने गुरु से पूछ के रखना चाहिए। कोई बढ़िया सा नाम, नामकरण विद होता है हम लोगों के यहां। और दूसरा, जब विद्यारंभ संस्कार, जब उसकी पढ़ाई हो तो उस समय भी किसी अच्छे गुरु से उस बच्चे को विद्यारंभ कराना चाहिए। बिना स्कूल कॉलेज अच्छे टीचर गुरु से अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसके प्रभाव बच्चे पर अच्छा नहीं पड़ता। भगवान श्री राम का नामकरण हुआ, विद्यारंभ गुरु जी ने कराया, वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़े, पढ़कर लौटे, फिर कुछ दिन के बाद विश्वामित्र जी आए।
आपने देखा होगा बिहार के बगल में बक्सर है, विश्वामित्र का वही आश्रम था, ताड़का नाम के राक्षसी वहीं रहती थी जो संतों को बड़ा कष्ट देती थी, साधु महात्माओं को बड़ा नुकसान करती थी। विश्वामित्र गए और दशरथ जी को कहा कि आप अपना दोनों बेटा राम और लक्ष्मण मुझे दे दीजिए। दशरथ जी ने पहले विरोध किया। दशरथ जी ने कहा, हे विश्वामित्र महर्षि, हमको प्राण मांग लीजिए, मैं आपको दे दूं। राम देत नहीं बनत गोसाई। सब सुत है मोही प्राण किनाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। सब बेटा मेरा प्राण से प्रिय है लेकिन राम को देते नहीं बन रहा है। तो वहां विश्वामित्र ने कहा कि देना हो तो दो, नहीं तो मैं चला। वशिष्ठ जी ने समझाया कि दशरथ जी, तुम्हारा बेटा घर में रहने के लिए नहीं है, वह जन कल्याण के लिए पैदा हुआ है। और तब दशरथ जी ने उनको दिया। दशरथ जी दोनों भाई को लेकर विश्वामित्र जाते हैं आश्रम में। सबसे पहले ताड़का को उन्होंने मारा। गुरु जी ने कहा कि राम यही ताड़का है, मारो। राम ने कहा, प्रभु कोई भी क्षत्रिय जो होगा वीर पुरुष, वह औरत पर हाथ नहीं उठाता है। औरत को हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसकी पूजा की जाती है। जिस परिवार में औरत को अपमान किया जाए वो परिवार का नाश हो जाता है। विश्वामित्र ने कहा कि ऐसी बात तो ठीक है लेकिन ये बड़ी दुष्ट औरत है। तब राम ने कहा कि अब मारना ठीक है, दुष्ट को मारने में पाप नहीं लगता है। उन्होंने मारा, उलट गई। उसका बेटा दौड़ा, सबको राम ने मारा और जाकर गुरु जी के आश्रम में बैठ गए। एक दिन जनकपुर से चिट्ठी आती है कि सियादी का स्वयंवर हो रहा है। आप लोग गए होंगे जनकपुर, जाकर देखिए कितना पवित्र जगह जहां प्रभु श्री राम का चरण पड़ा। अरे वही नेपाल है, वही जनकपुर है आपका, जहां भगवान को भी उतार दिया। तो हम लोग चलते हैं अब भगवान श्री राम अहिल्या के यहां से आगे बढ़ते हैं। एक पुष्प वाटिका मिलती है वहां जनकपुर के नजदीक। ये सब आप ही के राज्य में पड़ता है। ये धन्य भाग नेपाल के लोग, जब परमात्मा प्रभु श्री राम की सारी लीला यही होती है। और पुष्प वाटिका में जाते हैं और वहां जब भगवान श्री राम इधर से अपने से गुरु को कहते हैं, गुरु जी मैं फूल लाने जाता हूं आपके लिए। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर जाते हैं फूल लाने। और उसी समय सीता की मां माता सुनैना, पार्वती की मां का नाम मैना और सीता जी की मां का नाम सुनैना। सुनैना ने माता ने कहा, बेटी कल तुम्हारा स्वयंवर होने जा रहा है, जाओ पार्वती की पूजा करके आओ। आज तमाम कुमारी लड़कियां पार्वती जी की पूजा करती है, बाबा की पूजा करती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार पार्वती जी को अपने मन के अनुकूल वर प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार जो लड़की महिला पार्वती की पूजा करती है, उसको उसी तरह का फल भी मिलता है, मनोवांछित फल। जो चाहोगे सो मिल जाएगा, पहले करके तो देखो। सीता मां अपने सहेलियों के साथ पुष्प वाटिका में आती है। इधर से राम जाते हैं, कितना सुंदर मिलन हो रहा है। एक परमात्मा एक शक्ति, दोनों का आज प्रथम मिलन हो रहा है।
एक शक्ति आदि शक्ति भगवती और एक तरफ परमात्मा प्रभु श्री राम, दोनों का मिलन जनकपुर में हो रहा है। यह कितने भाग्य की बात है आप लोगों के लिए। एक तरफ बाबा पशुपतिनाथ, दूसरा जनकपुर में माता जानकी, आप उनके वंशज हैं। धन्य भाग आप लोग हैं। तो दोनों वहां से आते हैं और दोनों उधर से राम जी घूम रहे हैं। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे त्रिगंचल। अब देखिए, अब इधर से सीता जी आती है, उधर से राम आते हैं, स्वाभाविक है। दोनों एक दूसरे का मैग्नेट है, दोनों स्त्री पुरुष, पति पत्नी, लड़का लड़की, जब एक दूसरे को देखता है तो स्वाभाविक है, देखते ही टकटकी लग जाती है। सीता जी राम को देख रहे हैं, राम जी सीता को देख रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या हुआ? भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे त्रिगंचल। मनहु सकुच निमित जे त्रिगंचल। जब सीता और राम एक दूसरे को देखने लगे तो स्वाभाविक है, पोता और पोती जब एक दूसरे को देखने लगे तो बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके उधर चले जाते हैं। गार्जियन क्या करता है, देखता है लोग लड़का लड़की आपस में बात कर रहा है, आप भी करते होइएगा घर में, बेटा पुतो अगर बातचीत करता रहता है तो आप क्या करते हैं, अरे फलवा, झूठो को पुकारता है लोग, दोनों सावधान हो जाता है। ये पिताजी आ रहे हैं। इसी तरह निमि कौन थे, निमि थे जनक जी के पूर्वज, जनक जी के पूर्वज निमि, उनको श्राप दे दिया गया था जिसके साथ चलते उनका शरीर राख बन गया था। तो उसी राख को मथ कर एक बालक पैदा किया गया जिसका नाम जनक पड़ा। वही जनक के पूर्वज थे निमि। तो जब निमि मरने लगे तो भगवान विष्णु से उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु मेरा निवास आंख के पलकों पर हो जाए। तो हम लोगों की आंख जो ऐसे ऐसे करती है वह निमि के कारण। तो जब सीता और राम एक दूसरे को देखने लगे तो निमि आंख पर से हट गए। पोता पोती एक दूसरे को देख रहा हो तो बुजुर्ग का काम है वहां से हट जाना। हट गए तो पलक खुली की खुली रह गई, पलक गिरवे न करे। बहुत देर हो गई। रघुवर को देख सिया बावरी बनी, रघुवर को देख सिया बावरी बनी, बोले धक धक धक, बोले धक धक धक, बोले धक धक धक, बोले धक धक धक। सुरतिया सखी मन में भाग गई,
लगी ऊंट उड़ गई दिल के अरमान करे धक 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 दिल के अरमान करे धक 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 मैनो की चाह कर धक 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 मैनो की चाह कर धक बाबरी पनी बोले धक 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 बोले धक 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 बोले धक 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 बोले धक 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 जब धनुष यज्ञ या पुष्प वाटिका से राम और सीता लौट के गए तो कल धनुष यज्ञ की तैयारी हो गई पूरा आप लोगों ने देखा आप ही के राज्य में है रंगभूमि रंग भूमि में सारे देश के राजा महाराजा सब लोग आए और उसी जगह भगवान श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र भी पधारे सब मन चढ़ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल अब राजा ने देखा कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र आए हैं एक बहुत ही सुंदर मंच बना हुआ था उस पर इन लोगों को बैठाया सब लोग बैठ गए तो राजा ने इशारा किया बोले बंदी वचन पर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर कहहिं हम भुजाउ अब उसने हाथ उठाकर कहा कि राजा लोग आप सुनिए जितने महाराज राजा देश विदेश के लोग आए हैं एक ही महाराज की प्रतिज्ञा है सामने जो धनुष रखा हुआ है इस धनुष को पर प्रत्यंचा चढ़ाना है तोड़ना नहीं है उसको रस्सी बांधना है और वह जानते हैं वह धनुष कौन था देवासुर संग्राम में तीन धनुष बना था एक धनुष का नाम था सारंग जो भगवान विष्णु चलाए दूसरा धनुष था पिनाक जो भगवान शिव को मिला और तीसरा था गांडीव जो इंद्र को मिला या पिनाक धनुष बाबा भोलेनाथ को मिला उसी से इन्होंने राक्षसों का नाश किया फिर बहुत दिन तक पड़ा रहा जनक जी के एक और पूर्वज थे महाराज देव अरे कभी कहानी पढ़ो तुम्हारे पूर्वजों की कहानी है आजकल तो हम लोग अपना पूर्वज का नाम पता भी भूल रहे हैं पहले के जमाने में सात पीढ़ी तक लोग नाम जानते थे या नेपाल पर तो हम लोगों को गौरव है हम लोग कभी पढ़े इस रामायण में आप पढ़िएगा इसमें पूरी वंशावली मिलेगी तो देव थे भगवान शिव ने एक दिन कहा कि देव इस धनुष को तुम ले जाओ मिथिला वहीं रख के पूजा पाठ करना अब सुनिए तो अब धनुष आवे कैसे तो 10 बैलगाड़ी जोटा गया 10 बैलगाड़ी को साथ में जोटा गया उस पर लादा गया 100 आदमी 1000 आदमी मिलकर उस धनुष को गाड़ी पर रखा तब वो गाड़ी से मिथिला आई जब से धनुष आया तब से एक जगह पड़ा हुआ था कौन छुए खिलने के नाम ही नहीं ले इतना विशाल एक दिन जनक जी कहीं गए उन्होंने माता सुनैना को कहा कि देख लेना हमको आने में देर हो जाएगी तो धूप आरती करवा देना इस धनुष का शाम हो गई माता सुनैना ने कहा बेटी सीता जाओ तो धूप आरती कर दो धनुष का देखिए ध्यान रखिए आप भी माँ हैं आपकी भी बेटी है इस तरह के संस्कार दीजिए बच्चों को
धूप आरती करने का। सीता को कहा माता ने जाओ धूप आरती करके आओ। सीता जाकर देखती है तो धनुष बीच में रखा हुआ है, चारों तरफ घास फूस कांट कूस जंगल। कहा कि कैसी पूजा माता जी करती है भाई, इतना घास फूस रखा हुआ है धनुष को। वो बेचारी अपना कपड़ा उपड़ा, जैसे हमारी बच्ची से अभी कपड़ा उपड़ा ठीक करके डांस कर रही थी, कपड़ा बानी आ गई और उस धनुष को एक हाथ से उठाई। अब बताइए, एक हाथ से उठा के घास फूस साफ की, पानी से निपाई पोताई करके फिर रख दी। शाम में जनक जी आए, कहा कि अरे क्या हुआ, ये कौन किया? माता सुनैना ने कहा कि आपकी बेटी ने किया। कहा कि बाप, जिस धनुष को 10 बैलगाड़ी पर 1000 आदमी मिलकर नहीं उठा सकता था, सीता ने उठा लिया। कहा कि उठाई तो हुई है। कहा कि चलो, मेरी प्रतिज्ञा यही है कि जो भी व्यक्ति इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता उसी से ब्याही जाएगी। अब कितना कठिन व्रत हो गया, कौन जाएगा उठाने? देश देश के लोग आए, धनुष रखा हुआ था, बंदी ने कहा कि उठाओ तोड़ो रस्सी चढ़ाओ। लोग जैसे कुर्ता कमी जैसे ऐसे करते हुए, ऐसे उसे देह हाथ सीधा करते हुए जाए और धनुष हिलवो न करे। धूप सहस दस एक ही बार, जा रहे हैं धनुष को तोड़ने। अब हिले तब न तोड़ेंगे। सब लोग धीरे 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 आए और लौट के चले गए। रावण भी गया था वहां, बाणासुर भी गया था, लेकिन बड़ा होशियार था वो। देखा कि अरे ये धनुष तो हमसे हिलेगा भी नहीं। वो नजदीक में नहीं गया, लौट गया। जब सभी लोग लौट गए तो जनक जी बड़ा निराश हो गए। उन्होंने कहा अब जनी को माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। ठीक है भाई, जितने लोग आप आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नाउ गेम इज ओवर, नाउ यू कैन गो, अब जाइए। तजहुआस निज निज गृह जाहु जनक जी ने कर दिया। आज भी आप लोग भी कहते हैं जब बेटी का ब्याह जल्दी नहीं होता है तो कहते हैं अब अगली ऐसी है जो इसका ब्याह हो नहीं होता है। सीता जी के बारे में भी कह रहे हैं जनक जी कि इसके लगता है भाग्य में ब्याह नहीं लिखा हुआ है। आप लोग घर जाइए, आज के बाद कोई नहीं कहना कि हम वीर हैं। जो ही इन्होंने ऐसा कहा कि लक्ष्मण जी गौमन सांप के तरह उतारो, शेषनाग के अवतार हैं, खड़े हुए और उन्होंने कहा है जो महाराज जनक रघुवंश महाजह को होई तेही समाज अस कहई न कोई। जिस सभा में रघुवंशी बैठा हो इस तरह कोई नहीं बोलता है। जो तुम्हार अनुशासन पाओ
कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ जे घट जिमिदारो फोरी सकम मेरु मूलक जिमितोरी। अरे महाराज जनक क्या बात करते हैं धनुष की, मुझे बताइए मैं पृथ्वी को उठा लूं, तोड़ कर ममोर कर समुद्र में फेंक दूं, इस धनुष की क्या बात है। देखिए बात बिगड़ रही है, राम जी को लगा किला, इधर शादी ब्याह में विघ्न पैदा करने के लिए कोई कोई होता है गांव में भी। उन्होंने कहा कि राम अब उठो। अब देखिए राम को आदेश मिला गुरु का, तो सबसे पहले राम ने क्या किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। और उसके बाद देखिए और गुरु को प्रणाम करके चलते हैं राम। जब राम चलने लगे तो सीता मैया बगल में बैठी थी कतिल्ला। अब इतने बड़े बड़े वीर योद्धा सब हार गए, आई कमल के फूल के तरह पंखुड़ी के तरह ये राजकुमार ये अब धनुष तोड़ने चले हैं, क्योंकि पति के बारे में स्त्री के मन में हमेशा यही रहता है कि हमारा पति दुनिया का सबसे नकारा व्यक्ति है, सबसे बेवकूफ अगर कोई है तो हमारा पति है। सीता ने कहा कि अब राम जी इतना छोटा लड़का ये धनुष तोड़ेंगे। किसने कहा कि अरे कोई समझाओ ना इस लड़के को, ये पिचा जाएगा धनुष के अंदर में जाएगा तो। लेकिन राम मस्ती में जा रहे हैं, वहां जाते हैं धनुष को, देखिए ध्यान रखिएगा, जाते हैं पहले धनुष को प्रणाम करते हैं। कई लोग कहते हैं राम ने धनुष तोड़ा। अब देखिए कहां तोड़ा, रामचरितमानस में तो कहीं नहीं लिखा, नहीं तोड़ा। राम जब जाते हैं कितना बड़ा गलती राम करेंगे, अरे उनको वो धनुष भगवान शिव का था। आप किसी के वस्तु को तोड़ दीजिएगा तो उस आदमी का अपमान हो जाएगा। भगवान शिव के धनुष को राम कैसे तोड़ेंगे जी। प्रणाम किए, कहीं नहीं लिखा राम ने धनुष तोड़ा, उठाया लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े। पूरी सभा में सब लोग बैठे हो, काहू न लखा, किसी को दिखाई नहीं पड़ा कहां तोड़े। और उसके बाद क्या करते हैं देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं दमके उदामिनी जिम जब लय पुनि नभ धनु मंडल सम भय। अब देखिए दूसरी पंक्ति में खोल देते हैं, धनुष तोड़ा नहीं उठाया और फेंका, ऊपर फेंका, जिसका धनुष था उसके पास चला गया। अब पुनि दोबारा, यह पुनि का मतलब है नाउ अगेन, धनुष वहां से आया, पुनि धनु नभ आकाश के मंडप सम आ गया। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं लेत चढ़ावत खैचत गाढ़ा काहू ने लखा, कोई देखवे नहीं किया, इतना लोग बैठा हुआ था कोई नहीं देखा, ये भगवान ने किया, उठाया फेंका, दूसरा धनुष आ गया, वही टूट के पड़ा हुआ है धनुखा में। आज भी जाकर देखिए आकाश पताल फेंका और एक धनुष का टुकड़ा वहां पड़ा है, आज भी तोड़ा कहा। और लक्ष्मण जी भी कहते हैं अरे छुअत ही टूटे धनुष पुराना, राम तोड़े नहीं इधर उठाए छुए टूट गया। महाराज इसी धनुष पर इतना अभिमान करते हैं, राम जी तोड़े कहा छुए, बच्चा सब छूता है ना, छुए और टूट गया, राम जी की क्या गलती है भाई, ये तो पुरान चीज था।
राम जी ने धनुष तोड़ा नहीं, वह परमात्मा प्रभु भोलेनाथ का धनुष था, उसको कैसे तोड़ते हो? फेंका, लो बाबा अपना धनुष समारो। फिर आया, दूसरे धनुष को रखा, तब उन्होंने तीन खंड टूट गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता मैया की जय, पशुपतिनाथ की जय, हर महादेव। मेरे भाई धनुष रख दिया, अब ये सब हो ही रहा था तो सीता सोची ये इस राम को बेइज्जती होने वाली है तो हम कतला देखें। सीता ने आंख बंद कर लिया कि हम ना देखेंगे उसकी बेइज्जती। जब धनुष टूट गया तो एक सखी ने कुंडकी मारा, सखी देख देख तुम्हारा छुटका, धनुष तोड़ दिया। कहा सीता ने कहा क्यों मजाक करती हो भाई, मजाकों के एक सीमा होता है ना। सब लोगों ने कहा कि रे सही में धनुष टूटा। सुनैना ने कहा कि बेटी सचमुच टूट गया धनुष। सीता ने आंख खोल के देखा, वाह बैठ राम खड़े हैं, धनुष पड़ा है सामने। सखी ने कहा कि जाओ उठ जाओ, वरमाला पहनाओ। वहीं से चला है वरमाला की परंपरा। माला लिए हुए सीता जाती है, राम उचक कर खड़े हो जाते हैं। अब सीता सोचती है ये तो बड़ा मुश्किल कर दिया। लोग कहते हैं कि वरमाला के दिन जब लड़का सिर झुका लेता है तो जीवन भर लड़की के सामने में वह सिर झुका के खड़ा रहता है। राम जी कहे कि हम तो न झुकेंगे, तो सीता जी ने कहा तो हमको क्या करने लगा है? रहो खड़ा, भर दिन वहीं रहो, हम तो अपने घर में है, तू परदेश में है, शाम में खाएगा क्या? तो बहुत देर तक रही, सखियों ने थोड़ा सीता जी को सहारा दिया, सीता जी ने गले में माला डाला और उसके बाद राम ने भी सीता जी के गले में माला डाला। सियावर रामचंद्र की जय, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि भी ज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काक भूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनी विषय रस थी की, सुभग सिंगार मोति जुगती की, तलन रोग भव मूरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। प्रेम से बोलिए राजा राम चंद्र भगवान की जय, जनक नंदनी सीता मैया की जय, बोलो चारों भैया की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बाबा पशुपतिनाथ की जय, परम पूज्याचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की जय। हर हर महादेव।
परम पूजाचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की जय। 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 परम पूजाचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम लोग विवाह मंडप की तरफ बढ़ते हैं। जब भगवान श्री राम और बारात लेकर दशरथ जी वहां पहुंच गए तो पता लगा जनकपुर की सखियों को कि बारात का सारा सामान आ गया, अब परिछावन की विधि शुरू होगी। तो जब सीता जी को पता चला कि पूरी तैयारी अब दरवाजा पर दुल्हा मंडप में आ रहा है, तो सीता जी ने अपनी सखियों को बुलाया और सखी को कहा कि सखी हमको सजा दो। अब देखिए सीता मैया कह रही है अपनी सखियों को कि सखी मुझे सजा दो। अब कैसे सजाओ, तो औरत के लिए सबसे कीमती चीज होती है उसकी चूड़ी और उसका सिंदूर। आजकल तो लोग सिंदूर लगाना अब भूलते जा रहे हैं, लेकिन अभी मुझे खुशी होती है बाबा धाम, यहाँ बाबा के पास जब बहुत लड़कियां महिलाओं को देखता हूं मैं, तो यहाँ बहुत बढ़िया लाल रंग का चंदन लगा रहता है। कल से मैं देख रहा हूं महिलाओं को, तो यह बहुत ही शुभ बात है। जो महिला यह सुहागन है और सिंदूर करती है तो वह सुहागन महिला औरत मानी जाती है। आपकी बड़ी दीदी सीता मैया अपनी सखी को कहती है, ए सखी तू मुझे सजा दो। आज का युग होता तो लोग ब्यूटी पार्लर में ले जाते और वहां से स्नो पाउडर क्रीम लगा के और वहां से लोग ले आते दुल्हन को, लेकिन सीता जी कहती है ना, ए सखी तू हमको सजाओ। कौन चीज से, तो हमारे हाथ में मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखिया, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। सीता मैया कहती है, मेरे भाई ए सखी ऐसी चूड़ी पहना दो जो कभी टूटे नहीं, क्योंकि सुहागन औरत के लिए चूड़ी सुहाग है, चूड़ी टूटनी नहीं चाहिए और मांग का सिंदूर भी मिटना नहीं चाहिए।
तो सीता मैया क्या कहती है? ऐसे पहनूं चूड़ी जो कभी न टूटे, ऐसे पहनूं चूड़ी जो कभी न टूटे, माथे का सिंदूर कभी न छूटे, माथे का सिंदूर कभी न छूटे, मोतियों से मोतियों से साड़ी का आंचल सजा दो, मोतियों से साड़ी का आंचल सजा दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया। मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। सीता मैया और प्रभु श्री राम का विवाह अब होने जा रहा है। हम लोगों के जीवन में भी विवाह हुआ है, लेकिन हम लोगों के जीवन और उनके जीवन में बड़ा अंतर है। हम लोग ऐसा जीवन में वैवाहिक जीवन रखते हैं जो आपस में बहुत ही कम पति पत्नी ऐसे हैं जो आपस में प्रेम रहता हो। दुनिया में राम से बढ़कर सुंदर कोई व्यक्ति नहीं था और सीता से बढ़कर सुंदर कोई था थी ही नहीं। राम से बढ़कर सुंदर कोई पुरुष नहीं था और सीता से बढ़कर सुंदर कोई स्त्री नहीं थी। एक स्त्री और थी, मंदोदरी, रावण की पत्नी। वह भी अद्भुत सुंदर थी क्योंकि वह भी भगवान विष्णु की बेटी थी। भगवान विष्णु ने अपने शरीर के उपटंग से, मैल से मंदोदरी को बनाया था। जिस प्रकार माता पार्वती ने गणेश जी को अपने उपटंग से पैदा किया था, उसी प्रकार भगवान विष्णु ने अपने उपटंग से, शादी ब्याह में लोग लगाते हैं ना हल्दी, आप लोगों को भी लगा होगा। आज बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों को भगवान श्री राम के विवाह में बाराती बनकर हमारे नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, हम नेपाल सरकार के शुक्रगुजार हैं कि सरकार ने बड़ी सहयोग, बड़ी सहायता, बड़ा स्नेह दिया। हम मंच से नेपाल की शुभकामना करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि परमात्मा इस राज्य को, देश के पूरे विश्व में इसका स्थान ऊंचा रखे और इसके स्वाभिमान की रक्षा होती रहे। और ऐसे ऐसे सपूत हमारे बीच में है यहाँ, हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं। भगवान श्री राम का आशीर्वाद इन्हें मिले। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से देखिए की बात होती है। कहते हैं जीवन में कहा जाता है कि यू कैनॉट गेट द हाइएस्ट सक्सेस इन योर लाइफ विदाउट स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। जीवन में जब तक कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं आती है तब तक जीवन की ऊंचाई नहीं मिलती है। इसलिए कहा गया कि इफ यू वांट टू गेट द हाईएस्ट सक्सेस इन योर लाइफ तो आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। आइंस्टीन बने, जितने भी विश्व के बड़े लोग हुए सब बने। और भारत में यही कहा जाता है कि अगर पहाड़ पर आपको चढ़ना हो तो दोनों हाथ पॉकेट में रख कर पहाड़ पर चढ़ना चाहिएगा तो नहीं चढ़ सकते। यू कैनॉट क्लाइंब ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन कीपिंग हैंड्स इन योर पॉकेट, आप नहीं चढ़ सकते हैं। तो जो दो महापुरुष हमारे बीच है
इन लोगों ने कितनी साधना की होगी। अब आपने देखा कि भगवान श्री राम मंडप पर राम जी से पूछे, तो भगवान आगे जा रहे हैं, विवाह की पूरी तैयारी हो गई है, सब कुछ मंडप पर। चार दुल्हा और चार दुल्हन, आपको पता होगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इधर से बैठे हैं और उधर से चार दुल्हन सीता मांडवी उर्मिला और श्रुतिकीर्ति। जनक जी के छोटे भाई थे वृषकेतु, उनकी तीन बेटी थी, उनकी उनका भी विवाह का आयोजन उसी में किया गया। चारों दुल्हन बैठी है और चारों दुल्हा बैठे हैं। अब इंतजार हो रहा है कि वशिष्ठ जी और महाराज जनक अपना आशीर्वाद दें। जनक जी आते हैं और सबसे पहले कन्यादान का बीत शुरू होता है। आप जानते हैं लड़कियों को जिस दिन कन्यादान कर दिया जाता है तो उसका गोत्र बदल जाता है। हम लोग जिस गोत्र के हैं गोत्र बदल जाता है। पहली बार पिता, लड़की का पिता दुल्हा का पैर पकड़ता है, अपने दामाद का पैर पकड़कर कुछ द्रव्य, अक्षत चावल दही पान लेकर और लड़का को दान करता है। वह उसी दिन दान स्वीकार कर लेता है लड़का, तो वह लड़की अब दूसरे कुल की हो जाती है। और उसके बाद वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, चारों भाई को आप सिंदूर दान करें। आज जो हम लोगों के यहाँ भारत की और हिंदू संस्कृति में सिंदूर का बड़ा महत्व माना गया है, तो सिंदूर लगाने वाली महिलाएं, आप देखिएगा कि सुहागन जो भी महिला होती है वो सिंदूर लगाती है। आजकल धीरे धीरे कम हो रहा है यार, लेकिन एक बात समझिएगा कि यह बहुत ही वैज्ञानिक विधि है। कुंडल पहनना या जो मंगटीका होता है सो पहनना, कंठहार पहनना, यह हमारे हिंदू संस्कृति की बात है। जो महिला कंठहार पहनती है, हसुली पहनती है, नेकलेस पहनती है, उसको थायराइड की बीमारी कभी नहीं हो सकती है, यार कंट्रोल करता है उसको। कान में कुंडल पहनने से उसकी मानसिक स्थिति ठीक रहती है। और सिंदूर लगाती है केवल विवाहित लड़कियां, जो कुमारी होती है वह सिंदूर नहीं लगाती, और जो विधवा हो जाती है वह भी सिंदूर नहीं लगाती है। इसका कारण है, यह हमारे मस्तिष्क पर यहां सुमनी नारी है, यह जो सिंदूर बनता है वह पारा मिला हुआ रहता है। उस पारा को जब हम लोग यहां लगाते हैं तब मन में प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए जितनी भी सुहागन स्त्रियां होती है वह सिंदूर जरूर लगाती है, नहीं तो वह सूखी हुई बांस के तरह हो जाती है सिंदूर नहीं लगाने से। तो सिंदूर का दान करने के लिए जनक जी ने कहा, और उसके बाद वशिष्ठ जी का आदेश मिलते ही चारों भाइयों ने चारों दुल्हन के माथे में सिंदूर लगा दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए चारों भैया की जय, हर हर महादेव। अब देखिए विवाह हो गया, अब फेरा पड़ रहा है। महाराज दशरथ की बारात एक महीना तक रही वहां, और एक दिन महाराज दशरथ ने कहा, राम महाराज जनक जी से कहो कि बेटी की विदाई कर दें। तो जब विदागिरी की बात आई तब माता सुनैना मूर्छित होकर गिर गई, लेकिन यह तो दुनिया का नियम है, विदाई तो होनी ही है, तो विदाई की तैयारी होने लगी। और कहते हैं कि लड़की की जब विदाई होती है तो खोइछा दिया जाता है। अभी सीता मैया के बारे में कहा जाता है, जब उनकी विदाई हो रही थी तो महाराज जनक ने 7 कोस का जमीन आंचल में दे दिया था,
खोइचा में दे दिया था उनको। और आज भी जब आप सीतामढ़ी के बगल में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि एक जगह है जहां सीता मैया ने मुंह धो के अपना जिभिया फेंका था, उस जगह आज भी एक बरगद का पेड़ जमा हुआ है। इतना प्रेम सीता जी को था जनकपुर से, मिथिला से, तो उसकी विदाई हो रही है। अब हम लोग चलते हैं खोइछा देकर माता सीता को जनकपुर से हम लोग विदा करेंगे। ले बबूनी अपना अचरा में जाओ, ले बबूनी अपना अचरा में जाओ, ई घर माता भुलिया हो, हम लोग शुभकामना करते हैं। अब सीता मैया जनकपुर से चलकर अयोध्या के तरफ चल रही है। अब अयोध्या में जब यह खबर हुई कि सीता जी आ रही हैं, दुल्हन आ रही है, पूरी अयोध्या को सजाया गया, तो हम सब लोग जितने लोग बैठे हैं अब चलिए अयोध्या। और अयोध्या के तरफ से चारों दुल्हा और चारों दुल्हन का स्वागत करें। बड़ा मंगल गीत है और इस गीत को हम कहेंगे कि आप भी अपने घर में जरूर गाइएगा, क्योंकि यह मंगल का गीत है, आपके परिवार में भी मंगल होगा, इसलिए इस गीत को हम लोग प्रेम से गाते हैं। मंगल गीत शुभ दिन आयो है, गाओ सुमंगल गीत शुभ दिन आयो है, गाओ सुमंगल गाओ सुमंगल, गाओ सुमंगल गाओ सुमंगल, गाओ सुमंगल गीत शुभ दिन आयो है, गाओ सुमंगल गीत शुभ दिन आयो है। जय
जनकराज की राज दुलारी जनकराज की राज दुलारी बहुबन घर में आयो है बहुबन घर में आयो है शुभ लक्ष्मी बन आज अवध में शुभ लक्ष्मी बन आज अवध में सबके मन हर्षायो है सबके मन हर्षायो है आओ सुमंगल गीत सुनो आओ सुमंगल गीत शुभ दिन आयो है भगवान श्री राम चारों भाई चारों दुल्हन अयोध्या में रंग महल में प्रवेश कर गए। कहते हैं 11,000 बरस तक भगवान श्री राम ने वहाँ राज्य किया था। अब इसी खुशी में हम लोग फूल की होली खेलकर भगवान श्री राम चारों भाई और चारों दुल्हन का स्वागत कर रहे हैं। तो अब चलिए हम लोग होली का कार्यक्रम अब शुरू करेंगे। जितने भी लोग हैं आप लोग जहां हैं वहीं से होली का माहौल बनाइए। आपने रंग की होली देखी होगी, आज फूलों की होली खेलिए। Yeah!
नाथ की, परम पूज्याचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की जय। हर हर महादेव। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे प्रमुख अतिथि के रूप में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष खिलराज रेग्मी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए हमारे उप प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री उपेंद्र यादव जी, बहुत सारे विशिष्ट लोग हैं जो हम नाम कितने को लेते रहे, समय थोड़ी कम है। और इस कार्यक्रम को आज इस मुहूर्त तक, इस समय तक पहुंचाने वाले और इस माहौल में पहुंचाने वाले परम श्री गुरुदेव संत शिरोमणि सुदर्शन जी महाराज, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और आज के दिन में हम लोग इस माहौल में हम लोग इस कार्यक्रम को समापन करने जा रहे हैं। हमें लगता है कि लोगों को इच्छा अभी भरी नहीं है, लोग अभी और भी व्याकुलता है लोग में कि और थोड़ी कार्यक्रम हो जाए, लेकिन समय हम लोग की प्रतीक्षा नहीं करती है। हम लोग समय के साथ अब इस कार्यक्रम को आज के दिन में हम लोग को समापन करना हम लोग को जरूरी है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए संपूर्ण अतिथिगण, संपूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा अतिथिगण में सब में मैं उमेश प्रसाद सिंह के तरफ से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। हम लोग ये तीन दिवसीय कार्यक्रम आज यहाँ पर हम लोग रखा पशुपतिनाथ, बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में। भगवान पशुपतिनाथ सभी को कल्याण करें। हम लोग आप आज के दिन में, इससे पहले हम लोग जनकपुर में भी एक कार्यक्रम रखा था और जनकपुर में भी बहुत बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया था, लेकिन वहाँ का भी लोग का यही कहना था कि ये तीन दिवसीय कार्यक्रम नहीं रखे। हम लोग की इच्छा ये तीन दिवसीय कार्यक्रम से नहीं बढ़ रहा है। हम लोग इच्छा करता है कि और भी कम से कम एक भी एक सप्ताह का कार्यक्रम रखा जाए। और हम चाहेंगे, मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगा कि आने वाला दिन की कार्यक्रम कम से कम एक हफ्ता का हो और उस एक हफ्ता में लोगों का इच्छा पूरी हो जाए। और अभी अभी हम लोगों जैसे कि फूल की होली खेले हैं, हमें नहीं लग रहा था कि ये स्टेज पर अब कोई बाकी रह जाएगा। हालांकि ये पक्का का स्टेज था इसलिए दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन अगर ये कच्चा अगर स्टेज रहता तो हमें लगता कि मतलब ये स्टेज कहीं हिल डोल जाए, कुछ भी हो जाए, नीचे गिर जाए। लेकिन सब वो पशुपतिनाथ का कृपा है, बाबा पशुपतिनाथ हम सब पर सहाय हैं, बाबा का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है। हम लोगों ने ये मानस मंजली संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन किया और लोगों में भगवान श्री राम का संगीतमय, इससे पहले मतलब क्या होता था कि राम कथा कहा जाता था, भागवत कथा कहा जाता था, लेकिन ये संगीतमय कथा ये इस प्रांगण में, ये काठमांडू के इस धरती पर हमको लगता है कि ये पहली बार संगीतमय कार्यक्रम किया गया है। और बाबा का आशीर्वाद होगी, बाबा का आशीर्वाद अगर हम लोगों को मिलेगा, हम लोग प्रयास करेंगे आने वाले दिन में इस कार्यक्रम को और अच्छा ढंग से, ये हम इस कार्यक्रम के संयोजक होने के बावजूद भी हमें नहीं लगता है कि हम इस संयोजक हैं, कि हम बाबा का एक तो चेला है, बाबा से मतलब इतना हमको मतलब उनकी कृपा हमारे पर है। और ये कार्यक्रम हम जिस हिसाब से सोच रहे थे, मानस मंजली परिवार जिस हिसाब से सोच रही थी उस हिसाब से हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग अपने हिसाब से इस कार्यक्रम को आने वाला दिन में अच्छा से अच्छा ढंग से करेंगे। और इस बार बहुत कार्यक्रम, मैं गुरु जी को बताना चाहूँगा कि यह नेपाल सरकार का कार्यक्रम अभी अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, देश के सारा पावर, देश के सारा मिनिस्ट्री होटल सोल्टी में थी, मैंने पहले भी बताया था। अभी हमारे उप प्रधानमंत्री जी अभी बता रहे थे कि एक मिनट का भी फुर्सत नहीं है। हम लोग जानते हैं, मैं भी उस कमेटी में हूँ, मैं भी वहाँ पर था, मैं भी विभिन्न कमेटी में अपने योगदान देते हुए भी मैं वहाँ का भी कार्यक्रम करता हूँ और यहाँ का भी। ये काय के मन तो इधर लगा हुआ है, हाँ बाबा आए हुए हैं, बालाजी के साथ में अगर थोड़ा देर अगर नहीं बैठे तो सोल्टी होटल का कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता है क्या। इसलिए आप लोगों को इस कार्यक्रम में आए हैं, थोड़ी सी कठिनाई हुई है, उस कठिनाई को हमारे तरफ से मैं सभी को हाथ जोड़ कर क्षमा मांगता हूँ, विश्वास है आप लोग हमें क्षमा करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं
विजय जी को अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद कार्यक्रम के हाजिर जी, हमारे आदरणीय प्रसन्न जी, आप यहाँ आए और सबों को रामायण की ज्ञान उपदेश और उनकी कथाओं कृतियों का अवगत कराएं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं तो वहाँ पश्चिम नेपाल के हिमाली जिला जुमला गया था और रात में आया, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मैंने जिन लोगों ने सुना उन लोगों से मैंने कुछ बहुत थोड़ा बहुत सुना, बहुत ही अच्छे लगी और सफल रहा और भविष्य में भी ये क्रम जारी रहना चाहिए, बस यही आग्रह है। और मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, किया निरंतर जारी रहे और इसका लाभ यहाँ के लोगों को हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद। श्री सुदर्शन जी महाराज द्वारा नहीं लिखित यो रामायण प्रधानमंत्री जीलाई चाहिए उपहार स्वरूप प्रदान करते हुए रो वहीं जो तुलसीकृत रामायण परिष्कृत करें संगीतमय छंद र प्रबन्धमा राख्नु भएको छ। हेर्नु होला यहाँ बाहिर स्टल पनि लागेको छ, यसमा त्यहाँ पनि उपलब्ध छ। आज यो तीन दिवसीय श्री रामकथाका वाचक रामकथाको बारेमा अत्यन्त भित्रैदेखि मर्म र त्यसको यो जीवनमा त्यसको सार्थकता र त्यसको सन्देशको बारेमा त्यसका मर्मज्ञ आचार्य सुदर्शनजी महाराजको प्रतिमा वास्तवमा यो रामकथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम भनेर चाहिँ हामीले सुनेको चिनेको र केही हदसम्म धेरैले मलाई लाग्छ कि रामायणको बारेमा भनिरहनु पर्दैन, तर त्यसको मर्मज्ञता भनेको त्यसको यो जीवनमा एउटा नामै छ रामदेव श्रीरामलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्दाखेरि नै भनिएको छ मर्यादा पुरुषोत्तम राम। त्यसमाले त्यो उदाहरणीय एउटा व्यक्तित्व र यो अहिलेको यस कलियुगमा पनि त्यो एउटा अनुकरण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको सार्थकता के हो र यो रामको कथाको चाहिँ एउटा त्यसले सन्देश दिने के खोजेको हो भन्ने बारेमा हामीले त्यसलाई अप्नाउन सकेका।